एंगुलर प्लान कर रहा है अपने नेक्स्ट वर्जन में कुछ बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का। अब एंगुलर के पास अपना खुद का एक रिएक्टिव प्रिमिटिव होगा जो कि है सिग्नल, जिसको इंट्रोड्यूस किया था रियान कैरनिएटो ने सॉलिड जेएस में। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिग्नल क्या है। तो सिग्नल एंगुलर का एक न्यू रिएक्टिव प्रिमिटिव है। रिएक्टिव प्रिमिटिव का मतलब है कि ये एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू हमेशा रिकैलकुलेट होती रहती है जब भी इससे रिलेटेड किसी डिपेंडेंसी में कुछ अपडेट होता है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि सिग्नल एक न्यू टाइप की प्रॉपर्टी है जिसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, पर यह प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी है कि जब भी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है तो ये नोटिफाई करती है अपने सब्सक्राइबर्स को। मतलब कि जहां जहां ये सिग्नल प्रॉपर्टी यूज हुई है वहां वहां ऑटोमेटिकली चेंज रिफ्लेक्ट कर जाता है जब भी सिग्नल वैल्यू में चेंज होता है। तो ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी है या फिर रिएक्टिव प्रिमिटिव कह सकते हैं। तो सिग्नल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी प्लस चेंज नोटिफिकेशन। अब सिग्नल के क्या बेनिफिट है ये जानने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं चेंज डिटेक्शन और जोन जेएस के बारे में। क्या आपने सोचा है कैसे एंगुलर चेंजेस को डिटेक्ट करता है और व्यू को अपडेट करता है? जैसे हम अगर कोई प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो वो चेंज हमारी व्यू फाइल में भी शो होने लगता है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर चेंज डिटेक्शन, जिसके लिए एंगुलर यूज करता है जोन जेएस लाइब्रेरी को। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एंगुलर एप्लीकेशन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्ट में होती है, जोन जेएस क्या करता है डिटेक्ट करता रहता है जब भी ऐप में कुछ होता है तो वो सीडी को ट्रिगर करता है, मतलब चेंज डिटेक्शन को ट्रिगर करता है। उसके बाद ऐप के पूरे कंपोनेंट ट्री में चेकिंग होती है कि जो चेंज है उसका इफेक्ट किस कंपोनेंट के व्यू पे पड़ेगा, और न्यू स्टेट के हिसाब से व्यू अपडेट हो जाता है। तो क्या हुआ, जब भी छोटा सा भी चेंज डिटेक्ट होता है तो ऐप के पूरे कंपोनेंट ट्री में चेकिंग होती है, जिससे ऐप की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, तो जो डिलीवरी पर्सन है उसके पास अगर आपका एड्रेस नहीं है तो वो आपके एरिया में हर घर में जाके पूछेगा कहीं ऑर्डर आपका तो नहीं है। तो ऐसा करते करते फाइनली उसे अपना एड्रेस तो मिल जाएगा, पर उसने डिस्टर्ब तो सभी को कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी अगर उसके पास वो पर्टिकुलर एड्रेस होता तो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब चेंज डिटेक्शन होता है तब ऐप में काफी सारे अननेसेसरी चेक्स होते हैं किसी भी चेंज के डिटेक्ट होने पे, बट सिग्नल की हेल्प से इन अननेसेसरी चेक्स को अवॉइड किया जा सकता है और ऐप का वही पार्ट अपडेट होगा जिसमें चेंज है। सिग्नल अपडेट को ट्रिगर तभी करता है जब जरूरी होता है, बार बार अननेसेसरी पूरे कंपोनेंट ट्री में चेक नहीं होता, जिससे कि चेंज डिटेक्शन साइकिल के नंबर रिड्यूस होते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब दोस्तों सिग्नल को यूज करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट है तो आपको ये कमांड रन करनी है, ng update @angular/cli space @angular/core --next। तो अगर आप सिग्नल को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना के ही इसको ट्राई करें, जिसके लिए हम कमांड चलाएंगे npx @angular/cli @next new, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल प्रोजेक्ट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में जहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर में। अब हमें क्या करना है, एड्रेस बार में क्लिक करना है और लिखना है cmd, ये शॉर्टकट है कमांड प्रॉम्प्ट का। अगर आप ऐसा करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट इसी पाथ को फॉलो करते हुए ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर देनी है। अब हम करते हैं एंटर। अब हमें वाई प्रेस करना है। तो अभी हमारा सिग्नल का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों हमारा सिग्नल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cd सिग्नल प्रोजेक्ट, एंटर करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को अगर हमें डायरेक्टली VS कोड में ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट है code --enter। अब दोस्तों मैं जल्दी से इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड कर लेता हूँ और जो इनिशियल कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो बना लेता हूँ ताकि उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों मैंने सेटअप कर लिया है सिग्नल का प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे रन हो रहा है। अब जैसा आप देख सकते हैं जो इनिशियल कंपोनेंट है उसकी UI के लिए मैंने बूटस्ट्रैप को इसमें यूज़ किया है, और बूटस्ट्रैप को मैंने इसमें कैसे इंक्लूड किया है
अब इसको मैंने क्विकली इंक्लूड करने के लिए ये जो CDN लिंक है इसको index.html में पेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है जो कि है comp1। अभी यहाँ पे सिग्नल यूज नहीं हो रहा, अभी सिर्फ नॉर्मल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। इसमें मैंने क्या किया है, एक टेबल ली है जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम शो किया है, और नीचे दो फील्ड्स हैं जिसमें कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। हम चलते हैं इसकी TS फाइल में। तो TS फाइल में मैंने दो प्रॉपर्टी ली हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और एक प्रॉपर्टी है फुल नेम। फुल नेम में मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, जिससे कि यहाँ पे फुल नेम क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम अनूप शर्मा। और यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक फर्स्ट नेम को चेंज करने के लिए, एक लास्ट नेम को चेंज करने के लिए। अब हम चलते हैं इसके HTML में। तो यहाँ पे ये टेबल है, इनमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम को बाइंड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, इसमें हमने टेम्पलेट रेफरेंस पास किया है, और यहाँ पे ये मेथड है चेंज फर्स्ट नेम, ऐसे ही यहाँ पे लास्ट नेम है। तो अब होता क्या है, जब भी हम फर्स्ट नेम चेंज करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जॉन, मैं चेंज करता हूँ, तो आपने ऊपर देखा जॉन चेंज हो गया, और यहाँ पे जो फुल नेम है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैं अगर यहाँ पे लास्ट नेम चेंज करता हूँ DOE, तो लास्ट नेम चेंज हो गया, अभी भी फुल नेम में कोई चेंज नहीं है। तो ये है नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं जहाँ पे हम ये नॉर्मल प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि है सिग्नल, जिससे कि हम जब भी कुछ भी चेंज करेंगे तो जहां जहां वो यूज हो रहा होगा वहां हर जगह चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं जल्दी से उसका कंपोनेंट सेटअप कर लेता हूं। तो दोस्तों अब हम यूज करते हैं सिग्नल, जिसके लिए मैंने एक और कंपोनेंट बना लिया है comp2 करके, और इसमें पूरा comp1 का डेटा ही पेस्ट कर दिया है। अब हम सिग्नल कैसे बनाते हैं, अब जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है, हम इनको बनाते हैं एक सिग्नल वाली प्रॉपर्टी। हमें लिखना है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं ये कट कर लेता हूँ, सिग्नल, और सिग्नल को यहाँ से इंपोर्ट करना है एंगुलर कोर से, तो ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा एंगुलर कोर से। अब इसके बाद हमें लगाने हैं पेरेंथेसिस। अब सबसे जरूरी बात है कि सिग्नल में हमेशा एक इनिशियल वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब इसी तरह लास्ट नेम में भी हम लिख लेते हैं सिग्नल, और ये स्ट्रिंग इसमें डाल देते हैं। अब फिलहाल हम क्या करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं। तो फिलहाल हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे फोकस करते हैं, जो कि हमने अभी सिग्नल की प्रॉपर्टी बनाई है। अब फर्स्ट नेम का जो सिग्नल है उसे अगर हमें यूज करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा देने हैं, यानी कि ब्रैकेट लगा देने हैं। तो अब ये इस सिग्नल की वैल्यू को रीड करेगा। तो आपने देखा अब यहाँ पे ये रन हो रहा है प्रोजेक्ट, कोई एरर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम सिग्नल को रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सिग्नल में वैल्यू को सेट कैसे करते हैं। तो फुल नेम को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम नीचे वाला अनकमेंट कर लेते हैं। तो हम इन मेथड को भी अनकमेंट कर लेते हैं, बट फिलहाल अभी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंशन है ये नॉर्मल प्रॉपर्टी के हिसाब से है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो अब ये हमें ऐसा दिख रहा है, जबकि हमें दिखना चाहिए था ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें हमने फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रखा था, पर अब ये सिग्नल है तो हमें इसके आगे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट नेम में भी हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो अब ये हो गया ठीक, पर वैल्यू यहाँ पे अभी चेंज नहीं होगी। अब हमें अगर वैल्यू चेंज करनी है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम डॉट सेट, और सेट में एफ नेम, ये वाला एफ नेम। ऐसे ही हमें लास्ट नेम में, अब हम चेक करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, तो आपने देखा अभी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब अब हम सिग्नल की वैल्यू को सेट कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से हम सेट करते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे जो फुल नेम है हम इसको करते हैं अनकमेंट। अब यहाँ पे आपने देखा था जब भी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे जो फुल नेम है इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, जबकि यहाँ पे हमने यही प्रॉपर्टी यूज कर रखी थी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं कंप्यूटेड, तो हम क्या करते हैं, फुल नेम इज इक्वल टू कंप्यूटेड। अब यहाँ पे हम कंप्यूटेड पे क्लिक करेंगे, तो ये भी ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा एंगुलर कोर से। अब कंप्यूटेड के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक एरो फंक्शन बना लेना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है, अब जैसा आपको पता है कि ये सिग्नल है, तो सिग्नल के आगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि पेरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फुल नेम है इसको अनकमेंट करते हैं, और इसके आगे भी पेरेंथेसिस लगा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं जॉन, और हम क्लिक करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे भी नेम चेंज हो गया,
और यहाँ पे फुल नेम में भी जॉन शर्मा लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फुल नेम है ये एक कंप्यूटेड सिग्नल है। अब मैं यहाँ पे डी ओ ई करता हूँ तो यहाँ भी चेंज हुआ, साथ में यहाँ भी। कंप्यूटेड सिग्नल हमेशा चेंज होता रहता है जब जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज होती है। तो ये तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू के साथ किया, इसको हम नंबर वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बना लिया इसको नंबर वैल्यूज के साथ शो करने के लिए, जिसमें एक्स एक सिग्नल है और वाई एक सिग्नल है और जेड एक कंप्यूटेड सिग्नल है जिसमें कि एक्स और वाई प्लस हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू करता हूँ 2। अब हम करते हैं चेंज एक्स वैल्यू, तो आपने देखा यहाँ पे जेड में 2+2 4 आ गया। अब वाई को करता हूँ मैं 5। अब वाई की वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे 2+5 7 हो गया। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटेड सिग्नल को। तो सिग्नल की जो वैल्यू अपडेट होती है वो उसकी करेंट वैल्यू के बेस पे होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रेडी कर लिया है जिसमें कि हमारे पास एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को हम इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे। तो हम चलते हैं कोड में। तो ये इसका एचटीएमएल है, ये सिंपल ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो टीएस फाइल में हमारे पास एक सिग्नल है क्वांटिटी के लिए, और दोस्तों अगर हम इस सिग्नल का टाइप असाइन करना चाहें तो हम इस टाइप से एंगल ब्रैकेट में इसका टाइप असाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको अपडेट कैसे करते हैं। तो ऑन डिक्रीज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, दिस डॉट क्वांटिटी यानी कि ये वाली डॉट अपडेट। अब अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाने हैं और उसके बाद हमें एक आर्ग्यूमेंट लिखना है। हम क्यू टी वाई क्वांटिटी लिख लेते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम वी भी लिख सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, तो मैं क्यू लिख लेता हूँ। उसके बाद एरो फंक्शन बनाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे q-1 और इसी टाइप से हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे q+1। अब हम चेक करते हैं, अब मैं इंक्रीज करता हूँ तो आपने देखा अब ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और मैं अगर डिक्रीज करूँगा तो क्वांटिटी डिक्रीज भी हो रही है। तो अपडेट जो वर्क करता है वो वर्क करता है इसकी करेंट वैल्यू के बेस पे। तो हम जब भी किसी सिग्नल को अपडेट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसकी करंट वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद हमें एरो फंक्शन लगाना है और करंट वैल्यू को अपडेट करना है, उसमें प्लस करना है या फिर उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कुछ। तो इस टाइप से हम किसी सिग्नल को अपडेट कर सकते हैं। अब म्यूटेट क्या करता है, सिग्नल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के काम आता है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं एरे के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए। अब सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि हम एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, हम जब इस पे क्लिक करेंगे। फिलहाल तो मैं ये वैल्यू कंसोल करा रहा हूँ, पर हमें करना क्या है, हमें ये वैल्यू इस एरे में पुश करनी है। तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे म्यूटेट मेथड। तो मैं एक बार इसको आपको HTML और TS फाइल दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का एरे लिया है, बट ये जो एरे है ये एक सिग्नल की प्रॉपर्टी में है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। तो ये एम्प्लॉय का सिग्नल है एरे डेटा के साथ, और यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय फॉर्म बनाया है नेम पोजिशन और डिपार्टमेंट के साथ, जो कि है ये। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जब भी कुछ फिल करके एड एम्प्लॉय करेंगे तो हमें इस एरे को म्यूटेट कैसे करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस डॉट, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है employees.mutate। अब हम यहाँ पे लिखेंगे emp list, हम कुछ भी लिख सकते हैं बट ये employees की लिस्ट है तो इसलिए हम emp list लिख रहे हैं, और उसके बाद हम एरो फंक्शन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, emp list.push, और push क्या करना है, this.employeeFormValue, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, तो अब हम एक employee ऐड करते हैं। अब मैं ऐड एम्प्लॉय करता हूँ तो आपने देखा अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड हो गया। ऐसे ही हम कुछ और भी ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे म्यूटेट किया एरे को मॉडिफाई करने में। अब हम देखते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं म्यूटेट की हेल्प से। तो उसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना लिया है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को म्यूटेट करने के लिए। हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये जो लैपटॉप है इसकी वैल्यू चेंज हो जाए मोबाइल में। अब हम TS में चलते हैं। तो TS में आप देखेंगे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सिग्नल। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट का सिग्नल लिया है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया और एक मैंने ब्लैंक मेथड बना लिया है। तो मैं पहले आपको इसका HTML दिखाया था। तो HTML भी सिंपल ही है, इसमें एक टेबल है
और इसमें मैंने जो प्रोडक्ट जो सिग्नल है उसमें जो नेम प्रॉपर्टी है उसको यहाँ शो किया है, ऐसे ही कैटेगरी प्राइस रेटिंग, और यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया है। अब हम यूज़ करते हैं म्यूटेट को इस ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम चाहता हूँ हो जाए मोबाइल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट म्यूटेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट और उसके बाद एरो फंक्शन और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। अब आपने देखा हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ की म्यूटेट कर सकते हैं। जब मैंने प्रोडक्ट डॉट लिखा तो कैटेगरी नेम प्राइस रेटिंग जो भी इसमें है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें नेम प्रॉपर्टी को म्यूटेट करना है, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में मोबाइल। अब हम चेक करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो लैपटॉप प्रॉपर्टी है चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे लैपटॉप की जगह मोबाइल आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लैपटॉप का हो गया मोबाइल। अब इसी टाइप से हम किसी भी प्रॉपर्टी को म्यूटेट कर सकते हैं। मैं अगर कैटेगरी को म्यूटेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अब कैटेगरी म्यूटेट हो गई। तो इस टाइप से हम म्यूटेट मेथड को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ होती है इफ़ेक्ट, जिसको कि हम यूज़ करते हैं साइड इफ़ेक्ट के लिए। साइड इफ़ेक्ट मतलब कि हम जैसे किसी भी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, किसी को अपडेट कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं या फिर कोई सिग्नल सेट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि कुछ और भी काम हो जाए, जैसे कि वो डेटा किसी API कॉल के थ्रू सर्वर पे पहुंच जाए या फिर लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए उस एक्शन से रिलेटेड, जैसे मैंने इसको चेंज किया, अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे हमारे पास लोकल पे तो सेव हो गया, इसके साथ साथ ये API पे भी सेव हो जाए, हमारे डेटाबेस में भी सेव हो जाए, एक कॉल चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं साइड इफ़ेक्ट इज इक्वल टू इफ़ेक्ट और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इम्पोर्ट हो गई एंगुलर कोर से। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ब्लैंक एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम कंसोल कराते हैं फिलहाल, कंसोल डॉट लॉग। मैं फ़िलहाल कोई भी स्ट्रिंग कंसोल करा लेता हूँ, जैसे मैं UX ट्रेंड कंसोल करा लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेंज नेम टू मोबाइल, तो आपने देखा यहाँ पे तो चेंज हो गया लेकिन कंसोल में हमारे पास कुछ नहीं आया। कंसोल में हमारे पास कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल कराया है एक स्ट्रिंग, इस कंसोल का किसी भी सिग्नल से कोई लेना देना नहीं लग रहा, तो ये हमारे सिग्नल के चेंज होने का पार्ट ही नहीं है। इफ़ेक्ट तो तभी काम करेगा जब हम किसी सिग्नल के इफ़ेक्ट पे काम करेंगे, और यहाँ इस इफ़ेक्ट में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस सिग्नल के बारे में ये चेंज है। अब जैसे मैं कंसोल लॉग में क्या करता हूँ, प्रोडक्ट नेम चेंज्ड टू, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दिस डॉट प्रोडक्ट मेंशन है जो कि एक सिग्नल है, तो अब ये साइड इफ़ेक्ट कॉल होगा। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे आया प्रोडक्ट नेम चेंज्ड टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा सिग्नल पास कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए था दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम। अब हम चेक करते हैं, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो एक बार ये साइड इफ़ेक्ट शुरू में भी कॉल हुआ है, क्योंकि शुरू में जब फर्स्ट टाइम सिग्नल में वैल्यू सेट हुई तब ये कॉल हुआ। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये साइड इफ़ेक्ट क्या आया, प्रोडक्ट नेम चेंज टू मोबाइल। तो इस टाइप से साइड इफ़ेक्ट वर्क करता है, और आपने देखा ये तभी कॉल हुआ जब हमने इसमें सिग्नल की प्रॉपर्टी मेंशन करी, जब नहीं करी तब ये कॉल भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे एग्जांपल देखे सिग्नल को यूज़ करने के, हमने देखा कि सिग्नल में वैल्यू को सेट कैसे करते हैं और कंप्यूटेड सिग्नल को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सिग्नल को अपडेट कैसे करते हैं, सिग्नल को म्यूटेट कैसे करते हैं, और हमने साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी देखा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।